हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको दो पुराणों के नाम बताने वाली हूँ जिनमें कि कल्कि अवतार के जन्म के बारे में भिन्नता पाई गई है। दोनों में ही एक बात कॉमन है कि कलयुग के अंत में आएंगे विष्णु भगवान के 10वें अवतार यानी कल्कि अवतार, लेकिन उनके जन्म के बारे में जो तिथि बताई गई है, जो महीना बताया गया है और जो उनके माता पिता का नाम बताया गया है, दोनों पुराणों में अलग अलग बातें कही गई हैं। किसकी बात सही हम माने, कल्कि पुराण की या भविष्य पुराण की? जी हाँ, यही दो पुराण हैं जिनमें कि कल्कि भगवान के जन्म के बारे में जो बातें बताई गई हैं वो एक दूसरे से मेल नहीं खाती हैं। कल्कि पुराण कल्कि भगवान के जीवन के बारे में, और ये कल्कि पुराण की एक विशेषता है कि उसमें जो बातें बताई गई हैं वो वर्तमान काल को लेकर या भविष्य काल को लेकर नहीं, बल्कि उसमें जो बातें लिखी गई हैं वो लिखी गई हैं भूतकाल में, यानी पास्ट टेंस में। कल्कि भगवान का जन्म हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, संभल ग्राम में हुआ, यानी जो भी बातें हैं वो भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में कि होंगे करेंगे ऐसा कुछ भी नहीं है या कर रहे हैं। टेंस जो उन्होंने यूज़ किया है कल्कि पुराण में वो पास्ट टेंस यूज़ किया है, और भविष्य पुराण में जो बातें कही गई हैं कल्कि भगवान के बारे में, इवन उनके माता पिता के नाम के बारे में भी दोनों पुराणों में भिन्नता है। अब किस पुराण में सच बात है, वास्तव में उनके माता पिता कौन होंगे, क्या भविष्य पुराण में लिखी बातें हम सच मान लें या कल्कि पुराण में लिखी बातें हम सच मान लें, आज मैं अपना वीडियो इसी टॉपिक पर आप लोगों के सम्मुख रखने जा रही हूँ, क्योंकि मैक्सिमम बातें जो हैं वो कल्कि पुराण से मैच खाती हैं, लेकिन भविष्य पुराण की बातों को भी हम अनदेखा नहीं कर सकते। चूँकि पुराण में लिखी हुई बातें हैं तो उनको भी अनदेखा नहीं किया जा सकता, तो सच्चाई का पता लगाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कोशिश ज़रूर करेंगे हम लोग कि वास्तव में कल्कि भगवान का जन्म किस महीने किस तिथि और उनके माता पिता का नाम क्या होगा। सबसे पहले मैं कल्कि पुराण में क्या लिखा गया है ये आपको बताती हूँ। कल्कि पुराण में लिखा गया है वैशाख महीने के द्वादश तिथि को और शुक्ल पक्ष के द्वादश तिथि को कल्कि भगवान का जन्म होगा, ये कल्कि पुराण में लिखा गया है। और उनके माता पिता जो होंगे वो विष्णु यश और उनकी माता का नाम सुमति होगा, ये भविष्यवाणी कल्कि पुराण में है, यानी होगा वो मैं बता रही हूँ फ्यूचर टेंस में, लेकिन लिखा गया है भूतकाल में। अब आती हूँ मैं भविष्य पुराण में। भविष्य पुराण में भी ये भविष्यवाणी की गई है कल्कि भगवान का जन्म होगा और वो होगा कलयुग के अंत में, लेकिन जैसे भविष्य पुराण कल्कि पुराण में कहा गया है वैशाख महीना, वहीं पर भविष्य पुराण में कहा गया है मार्गशीर्ष महीना, अष्टमी तिथि, कृष्ण पक्ष। अब आप देख रहे हैं कल्कि पुराण में वो लोग शुक्ल पक्ष को महत्व दे रहे हैं जबकि भविष्य पुराण में कृष्ण पक्ष को, और यहां पर यानी भविष्य पुराण में कल्कि भगवान के माता पिता का नाम, पिता का नाम तो सेम है विष्णु यश, लेकिन माता के नाम में भिन्नता है। माता का नाम सुमति नहीं बल्कि विष्णु कीर्ति नाम से उनकी माता का नाम उल्लेख किया गया है। दूसरी बात, ये तो भिन्नता हो गई जन्म की तिथि के बारे में, उनके माता पिता के बारे में। एक और भिन्नता है जो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, कल्कि पुराण में जो कल्कि भगवान के जन्म का उल्लेख है और उनके कार्यों का उल्लेख है उसमें ये बताया गया है, उन्हें जो आंका गया उनके कार्यों को लेकर, वो राम जी के जन्म से ऐसा लगता है वो प्रेरित है। जैसे राम जी का जन्म हुआ था वैसे ही कल्कि भगवान का जन्म भी राम की तरह ही उनके ही पद चिन्हों पर चढ़ के वो काम करेंगे और उनकी ही तरह उनका जन्म होगा, यानी कल्कि भगवान का जन्म हुआ है जो कल्कि पुराण में मेंशन है। लेकिन भविष्य पुराण में चूंकि अष्टमी तिथि बताई गई है मार्गशीर्ष महीने की और कृष्ण पक्ष, तो इसमें महत्ता दी गई है, इसमें इंपॉर्टेंस दिया गया है कृष्ण जी को, यानी भविष्य पुराण में जो प्रेडिक्शन की गई है
वो कृष्ण भगवान से रिलेटेड कहा गया है कि जिस प्रकार कृष्ण भगवान का जन्म अष्टमी तिथि को हुआ था, वैसे ही कल्कि भगवान का जन्म भी अष्टमी तिथि को ही होगा, यानी रात 12 बजे। अष्टमी तिथि को रात 12 बजे जैसे कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था, वैसे ही कल्कि भगवान के जन्म के बारे में बताया गया कि अष्टमी तिथि रात को 12 बजे उनका जन्म होगा। फिर एक और बात बहुत अलग बताई गई है, जैसे कल्कि पुराण में बताया गया है राम जी का जन्म रात को नहीं हुआ था बल्कि दिन के 12 बजे हुआ था, और नॉर्मल जैसे जन्म होता है वैसे ही हुआ था, कैद खाने में नहीं, जेल के अंदर नहीं, लेकिन माँ देवकी ने जन्म दिया था वो जेल की चार दीवारी के अंदर, और जब जन्म हुआ था तब पट खुल गए थे। वैसे ही कल्कि भविष्य पुराण में ये बताया गया है कि कल्कि अवतार का जो जन्म है वो श्री कृष्ण के जन्म की तरह रात को 12 बजे होगा और जेल के अंदर होगा, यानी उनकी माँ जो होंगी विष्णु कीर्ति जिनको बताया गया है वो जेल के अंदर होंगी, और ठीक जैसे देवकी जी ने जन्म दिया था उसी पर, उसी आधार पर कृष्ण कल्कि भगवान का भी जन्म होगा। अब ये बातें बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि इतनी अलग अलग बातें दोनों पुराणों में कैसे की गई हैं, ये भिन्नता कैसे है, ये जानने वाली रोचक बातें थी, मेरे लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग, इसलिए मैंने आप लोगों के सम्मुख भी अपना ये वीडियो रखा है। तो आप लोगों के पास इसकी क्या जानकारी है, राम जी और कृष्ण जी दोनों के ही जीवन के आधार पर वो कार्य करेंगे, ये तो पक्की बात है, क्योंकि बहुत सारे पुराणों में 18 पुराण जो है सभी में ये तो कहा गया है कि राम जी और कृष्ण जी, इवन भविष्य मलिका में भी कहा गया है कि राम और कृष्ण दोनों ही वास करेंगे कल्कि भगवान के शरीर में। लेकिन जन्म जो है, जन्म के बारे में जो अलग अलग बातें बताई गई हैं वो क्यों बताई गई हैं, अगर आप लोगों के पास भी कोई जानकारी है डेफिनेटली शेयर कीजिएगा, मैं भी जानना चाहूँगी। तो मेरे पास जो जानकारी थी वो मैंने आप लोगों से शेयर की कि पास्ट टेंस में क्यों लिखी गई है ये बात भी, कि शायद कलयुग ये 28वां चल रहा है, मैंने आपसे शेयर किया था कि 27 कलयुग बीत चुके हैं, तो 28वां कलयुग यानी कल्कि अवतार का जन्म जो है वो पहले भी हो चुका है, इसका मतलब 27 कलयुग में, 27 कलयुग अगर बीत चुका है तो ये 28वां कलयुग है, और 28वें कलयुग में उनके जन्म के बारे में कहा गया है, इसका मतलब जो पास्ट टेंस में कल्कि पुराण में कहा गया है, जो घटनाएं बीत चुकी हैं शायद उसे आधार मानकर भविष्यवाणी की गई है। खैर जो भी था, मेरे पास जो भी जानकारी है मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ, डेफिनेटली आप लोगों के पास क्या जानकारी है मुझसे शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।